Today we'll discuss types of passive movement. Hey, this is Sneha and you are watching Physio Sneha. This is the part 2 of passive movement. Those who haven't seen the part 1 of passive movement yet, go and check it. I have mentioned the link in the description box. Types of passive movement. Passive movement do tarah ke hote hain. First is relaxed passive movement including accessory movement, and the second is passive manual mobilization technique. Here, passive manual mobilization technique is further subdivided into 4 types. First is mobilization of joint, second is manipulation by physiotherapist, third is manipulation by the surgeon, and the fourth one is controlled sustained stretching of titanium structure. First we will see relaxed passive movement. Relax, जैसा कि हम नेम नहीं देख पा रहे हैं, relax, यानी कि हम इसमें movement जो कराएंगे वो relax manner में perform कराएंगे. Throughout the movement जो muscle tension होगा हमारा, it will be less. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हम मूवमेंट कराएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी. फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट को एक्यूरेटली, स्मूथली और रिदमिक मैनर में परफॉर्म करता है. एंड फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ मूवमेंट द नॉलेज ऑफ जॉइंट एनाटॉमी इज मस्ट. थेरेपिस्ट जो मूवमेंट कराएगा दैट शुड बी डन इन द सेम रेंज एंड डायरेक्शन एज एक्टिव मूवमेंट. रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में जो जॉइंट का मूवमेंट होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो रेंज ऑफ मोशन के लिमिट्स में होगा. Throughout the movement, therapist should consider the patient ease. यानी जब movement therapist करा रहा होगा तो उस therapist को patient के comfort और उसके easiness का भी ध्यान रखना होता है. And therapist should also consider the patient pain limit. While performing the movement, therapist को ये भी ध्यान रखना होता है कि उस वो जो movement करा रहा है वो patient के pain limit के अंदर ही करा रहा है ना. जैसे कि हम example के थ्रू देखते हैं, अगर हम patient को कोई movement करा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद अगर पेशेंट को पेन होता है तो हम पेशेंट को मूवमेंट उसी पॉइंट तक कराएंगे. ऐसा नहीं कि रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए हम उसको मूवमेंट कराते जा रहे हैं. अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो हम उसके आगे मूवमेंट नहीं कराएंगे, बिकॉज आवर प्रायोरिटी इज पेशेंट एंड वी शुड कंसिडर द पेशेंट पेन लिमिट. नेक्स्ट हम देखेंगे एसेसरी मूवमेंट. एसेसरी मूवमेंट वो मूवमेंट है जिनको इंडिविजुअल खुद एज ए वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता है. एसेसरी मूवमेंट नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट का ही एक पार्ट है, बट एसेसरी मूवमेंट एबनॉर्मल जॉइंट कंडीशन में एबसेंट होता है. एसेसरी मूवमेंट इंक्लूड रोल, स्पिन, ग्लाइडिंग और रोटेशनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट. एसेसरी मूवमेंट का हम क्या यूज़ करते हैं, लेट्स सी. एसेसरी मूवमेंट को हम एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं रेंज ऑफ मोशन को. यानी एसेसरी मूवमेंट आर एग्जामिन्ड पैसिवली टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ मोशन. यानी एसेसरी मूवमेंट को हम रेंज ऑफ मोशन को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रिलैक्स पैसिव मूवमेंट. इसमें हम ये देखेंगे कि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट को कराने का तरीका क्या है. फर्स्ट हम थेरेपिस्ट की पोजीशन देखते हैं. तो थेरेपिस्ट जो होगा वो हमारा दैट इज इन वॉक स्टैंडिंग पोजीशन. थेरेपिस्ट वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में इसलिए होता है बिकॉज इन दिस पोजीशन बेस सेजाइटल डायरेक्शन में लेंथन होता है. सो इन दिस प्लेन इक्विलिब्रियम इज मोर स्टेबल. थेरेपिस्ट ऐसे पोजीशन में हो कि वो पेशेंट का फेस देख सके, सो दैट वो पेशेंट का रिएक्शन मूवमेंट को परफॉर्म करते समय ऑब्जर्व कर सके. थेरेपिस्ट पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन और उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व करता रहता है ताकि वो ये देख सके कि पेशेंट को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मूवमेंट को कराते समय. नेक्स्ट हम देखते हैं पेशेंट की पोजीशन. तो हमें कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करनी है पेशेंट की पोजीशन इस बात पर डिपेंड करेंगी, और हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे दैट आवर पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल इन दैट पोजीशन थ्रू आउट द मूवमेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है. वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ शोल्डर जॉइंट फ्लेक्शन. यहाँ पेशेंट की पोजीशन लेते हैं सुपाइन लाइन, और जो हमारा थेरेपिस्ट होगा वो पेशेंट के बगल में खड़ा होगा एंड वो ऐसे खड़ा होगा कि वो पेशेंट का चेहरा देख सके. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी होल्डिंग्स क्या क्या होंगे, यानी थेरेपिस्ट पेशेंट को किस तरह से होल्ड करेगा इसमें हम ये देखेंगे. थेरेपिस्ट अपने लेफ्ट हैंड से पेशेंट के रिस्ट और कार्पो मेटाकार्पल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और थेरेपिस्ट अपने राइट हैंड से पेशेंट के लोअर पार्ट ऑफ द आर्म को होल्ड करता है. जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी थेरेपिस्ट ने अपने लेफ्ट आर्म से पेशेंट के रिस्ट और कार्पो मेटाकार्पल मूवमेंट को होल्ड किया हुआ है. कार्पो मेटाकार्पल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है पेशेंट का, और थेरेपिस्ट ने अपने राइट हैंड से लोअर पार्ट ऑफ द आर्म को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब तो प्रोसीजर हम देखेंगे मूवमेंट को कराने का. यहाँ फ्लेक्शन करा रहे हैं तो हम देखेंगे कि फ्लेक्शन कराने का प्रोसीजर क्या है.
थेरेपिस्ट माइल्ड एक्सियल ट्रैक्शन लगाता है ताकि मूवमेंट परफॉर्म हो जाए, और थेरेपिस्ट जो जितना भी ट्रैक्शन लगाएगा दैट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द मूवमेंट। यानी कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि कभी ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगा के ट्रैक्शन दे रहे हैं और कभी कम लगा के दे रहे हैं। जो हम ट्रैक्शन जितना भी लगाएंगे दैट शुड बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मूवमेंट, और जो हम मूवमेंट करेंगे दैट इज़ परफॉर्म विद इन द रेंज ऑफ मोशन। यानी जो हम मूवमेंट कराएंगे वो हम रेंज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कराएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट। देखते हैं मोबिलाइजेशन क्या होता है। मोबिलाइजेशन इज यूजली स्मॉल रिपीटेटिव रिदमिकल ऑसिलेटरी लोकलाइज एसेसरी और फंक्शनल मूवमेंट। ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन हम किसी मूवमेंट को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट रीअकरेंस ऑफ मूवमेंट इज विद अ मेजर्ड रेगुलरिटी। यानी जो हम मूवमेंट करते हैं उसको अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं, और जो मूवमेंट को परफॉर्म करने का एक रिपीटेशन है वो एक पर्टिकुलर गैप पे हम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो रिपीटेशन है एक एग्जैक्ट रिपीटेशन पे हम करेंगे उसको हम एक रिदम में करते हैं। इसीलिए हम मोबिलाइजेशन को एक रिदमिक मूवमेंट भी कहते हैं। मोबिलाइजेशन हम पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन माइल्ड है तो हम उसको जेंटल मोबिलाइजेशन देंगे, अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के मोबिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। मूवमेंट को हम विद इन रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं, और इन डिफरेंट स्मॉल मैग्नीट्यूड में मोबिलाइजेशन को हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनुपुलेशन बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। मैनुपुलेशन एक तरह की मैनुअल फिजिकल थेरेपी टेक्निक है जिसमें कि हम पैसे मूवमेंट अपने जॉइंट पे लगाते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे पैसे मूवमेंट का, लेट्स सी। इट शुड बी एक्यूरेट सिंगल लोकलाइज्ड क्विक मूवमेंट ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड हाई वेलोसिटी। यानी मूवमेंट जो हम करेंगे वो एक क्विक फैशन में परफॉर्म करते हैं, यानी हम जो भी मूवमेंट करेंगे मैनुपुलेशन में वो हम बहुत तेज़ी से परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थर्स मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन एक अकॉम्पेंड होता है एक ऑडिबल या फिर हम कह सकते हैं क्रैकिंग साउंड के साथ हम मैनुपुलेशन को सुनते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैनुपुलेशन बाई सर्जन। जब सर्जन मैनुपुलेटरी मूवमेंट्स एनेस्थीसिया के कंडीशन में परफॉर्म करता है दैट इज़ मैनुपुलेशन बाय सर्जन। मैनुपुलेशन सर्जन तब करता है जब हमें फर्दर रेंज ऑफ मोशन की ज़रूरत होती है। जब सर्जन मैनुपुलेशन कर देता है देन पेशेंट को वो थेरेपिस्ट के पास रेफर करता है ताकि जो गेन है वो रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटन स्ट्रक्चर। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट मसल और सॉफ्ट टिश्यू की पैसिवली स्ट्रेचिंग करता है सो दैट कि हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो सके। हमारे जॉइंट या फिर जो फाइबरस बैंड है उनमें जो एडहेसन हो गया है उनकी स्ट्रेचिंग भी फिजियोथेरेपिस्ट करता है, और जो हमारे मसल शॉर्ट हो गए हैं उनकी भी लेंथनिंग करता है सो दैट जो हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन रहे। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पैसिव मूवमेंट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। You can also follow me on Instagram for notes. I have mentioned the link in the description box.